सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार ओखला से कवरेज करता है। ओखला से बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। मैं आपको लगातार बताता चलूंगा अपडेट, तो पूरे इलाके का अलग अलग जगह का अपडेट दूंगा। आप हमारे साथ पूरे वीडियोज को देखेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। बहुत जरूरी खबर है आपके लिए। आज जाकिर नगर 18 नंबर गली से लेकर 22 नंबर गली को कंप्लीट सील कर दिया गया। रात 12 बजे किसी को भी उस गली में जाने की इजाजत नहीं है, ना उस गली से लोग बाहर निकलेंगे। सवाल कई हैं, उस सवाल पर भी बाद में चर्चा करेंगे। मगर जाकिर नगर और गड्ढा कॉलोनी से अभी 6 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। 5 पहले थे, 1 आज इंक्रीज कर जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। कहां कहां से हैं 6 केस वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले गली नंबर 22 में एक केस निकला है पॉजिटिव। गली नंबर 11 में 2 केस पॉजिटिव है। गली नंबर 18 में 1 केस पॉजिटिव है और गड्ढा कॉलोनी में एक केस है। एक और केस जो किस गली में है वो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता सकें। अबू बकर मस्जिद के आसपास की जगह को भी कंप्लीटली सील डाउन कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। अब आइए अबुल फजल और शाहीन बाग का अपडेट आपको देते हैं। यहां पर 4 केस पॉजिटिव है, 1 डॉटफुल केस बताया जा रहा है डी ब्लॉक में, अभी वो कन्फर्म नहीं है, कल तक कन्फर्म हो सकता है। अबुल फजल में 3 है, शाहीन बाग में 1 है केस है। जे ब्लॉक में अबुल फजल जे ब्लॉक में 1 केस पॉजिटिव है। ई ब्लॉक में 1 केस पॉजिटिव है। एच ब्लॉक में 1 केस पॉजिटिव है। ये तीनों केस अबुल फजल में है और जी ब्लॉक शाहीन बाग में 1 केस पॉजिटिव है। शाहीन बाग रोड नंबर 13 को कंप्लीटली सील कर दिया गया। 13, 9 और 1 जसोला की तरफ जाने वाला जो रोड है शाहीन बाग का, उसको भी सील कर दिया गया। ये अभी तक का अपडेट है। लगातार पुलिस लोगों से अपील कर रही है। मैं चाहता हूं कि पुलिस की अपील आप तक पहुंचा दी जाए कि जो लोग जमायत के लोग थे, लगातार मस्जिद से भी अनाउंस किया जा रहा है, जनता भी अपील कर रही है, काउंसलर भी अपील कर रहा है, सब लोग अपील कर रहा है, प्लाज्मा न्यूज भी आपसे अपील करता है कि जो लोग जमायत के लोग थे जिनकी मस्जिद में आपसे मुलाकात हुई है, वो शाहीनबाग मस्जिद में, मस्जिद का नाम भी बताया गया है कि मोहम्मदी मस्जिद फिरदौस मस्जिद में वो लोग गए थे, उनसे जिनसे मुलाकात हुई है जमायत के लोगों से, वो सिर्फ ये करें कि मस्जिद में जाके अपना नाम दिखवा दें और अपना पॉजिटिव चेक करवा लें। ये सब लोग जो पुलिस लगातार अपील कर रही है, एक बेहतर समाज के लिए अपील कर, समझना पड़ेगा। अब वक्त है कि आप बाहर निकलें। प्लाज्मा न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप बाहर निकल के जाँच करवाएं, मस्जिद में जाके नाम लिखवा दें या फिर थाने में जाके और अपनी चेकिंग करा दे, हेल्थ के चेकिंग, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो प्लाज्मा न्यूज सबसे अपील करता है कि आप इस बात का ख्याल रखें जो कहा जा रहा है, जो सरकार कर रही है, आप उनकी बात माने, जो पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है आप उनकी बात माने। पुलिस हमारे लिए होती है, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार अपील कर रही है आपसे। जमायत के लोग, जो भी जमायत के लोग जो जमायत में थे, जो लोग, सिर्फ करना कुछ नहीं है, आप हेल्थ चेकअप करवा लीजिए, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, देखिए सब लोग करा रहे हैं। यही अपील है हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।